एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर की हम डीप लेवल की फीलिंग्स, उनके हिडन फीलिंग्स जानने वाले हैं, जो आज तक आपके पार्टनर ने कभी आपसे कही नहीं, वो वाली फीलिंग्स आपकी हम जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स तो जानने को मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ हम ये भी करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए आज रात, देर रात सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता है बात करने के लिए अपने पार्टनर के साथ या अपने क्रश के साथ, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये आप सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। तो आप लोग इस रीडिंग को फुल फोकस होकर के देखना, क्योंकि ये रीडिंग आप सबके लिए मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है? मतलब बना रही हूँ मैं ये वीडियो, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये सुंदर सी वीडियो, सुंदर सी रीडिंग। थैंक यू सो मच। फुल फोकस रखिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी आई है यहाँ पे। सेक्सुअलिटी की एनर्जी आई है। मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड आएगा और कार्ड आ ही गया। बाउंड्रीज, ओके, लव, थैंक यू सो मच। सोलमेट्स, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन। सो कार्ड की एनर्जी से काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है, या ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके अकाउंट में ना अब 1 रुपया भी नहीं बचा है, बैंकक्रप्ट हो गए हैं आपके पार्टनर। अब 1 रुपया भी नहीं बचा है, ठीक है? वो है ना कि वेलकम का एक डायलॉग है ना, सुबह से ना एक मूली बिकी है ना बिका एक कांदा, उसी तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, हर तरीके से बर्बाद बर्बाद बर्बाद। आपके पार्टनर के अंदर वो बर्बादी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, काफ़ी बर्बाद हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि कुछ इस पर्सन के ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, जहाँ पे ये पर्सन परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ऐसी सिचुएशन में, ऐसी बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, जहाँ से ये पर्सन का निकलना बड़ा मुश्किल है। ये पर्सन चारों तरफ देख रहे हैं, अपने रिलेशन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये पर्सन को यूनिवर्स ने बताया था, इनकी इंट्यूशन ने इनको गाइड किया था कि भाई आपके साथ ये हो सकता है, बट ये पर्सन ने टोटली इग्नोर कर दिया। दिख रहा है कि अब हर चीज़ इनके ज़िंदगी में ख़राब चल रही है, हर एक चीज़ इस पर्सन के ज़िंदगी में ख़राब चल रही है। लग रहा है ना कि अब ये पर्सन, पता नहीं अब ये स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं अब ये पर्सन काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब इनको सपोर्ट मिल पाएगा आपका कि नहीं मिल पाएगा, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इस पर्सन की परेशानी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपकी पर्सन कहीं ना कहीं
इमोशनली टूट चुके हैं, और ये पर्सन की एनर्जी मुझे बताती है कि ये पर्सन आपको जब देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी अपना मुंह मोड़ लिया है, इनका समय खराब है, तो आपने भी कहीं इनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने भी कहीं इनसे वो नाता तोड़ लिया है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि कहीं मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ, और इस राह में मैं अकेला ही रह गया हूँ। आपके पर्सन को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन के अंदर इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी जो है ना आ रही है, यानी कि ये पर्सन को अभी फ़िलहाल आपके साथ यूनियन की नीड महसूस हो रही है। ये पर्सन रिलेशनशिप फील कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप, ये रिश्ता फील कर रहे हैं, बट ये पर्सन के अंदर मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि रिश्ता जो है ना आपके पार्टनर के अंदर ऐसा बना हुआ है, जैसे लगता है कि समय की मार आपके पार्टनर को पड़ रही है, आपके पार्टनर का कर्मा इनको परेशान किए जा रहा है, इस पर्सन का कर्मा ये पर्सन को बहुत परेशान किए जा रहा है। अब कर्मा कहूँगी ही कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन ने कर्म ही ऐसे किए हैं जिसको भुगतना है ना, जिसको भुगत ही रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना सिर्फ अपने बारे में सोच करके, आपको इग्नोर करके, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके, कहीं ये पर्सन बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, बहुत बड़ी गलती करी भी इस पर्सन ने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ प्यार चाहते हैं, ये पर्सन ने झूठ बोला, आपसे कई वादे किए, बहुत सारी चीज़ें करी होंगी इस पर्सन ने, मनगढ़ंत चीज़ें जो है ना आपको बोली, ठीक है। अब लग रहा है जैसे कि अब आप इनके साथ आ जाओगे ना, तो इनकी ज़िंदगी में चेंज ही चेंज होगा। इसलिए आपके पार्टनर के अंदर मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये पर्सन अपने सीक्रेट्स को आपसे बताना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब जो है ये पर्सन कहीं नहीं भागेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, अब जो है आपके पास हमेशा के लिए रुक से जाएंगे, आपके तरफ रुक से जाएंगे। ये पर्सन अपनी अपनी एनर्जी को फ्री करना चाहते हैं, ये पर्सन फ्री होके बोलना चाहते हैं, ये पर्सन के मन में अब ऐसा है ना कि मैं हर तरीके से हर एक सच्चाई को फेस करूंगा, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत सारे झूठ बोले हैं, और वो झूठ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है इनको, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। हर एक झूठ, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का जो है ना आपके सामने एक होता है ना, कि हर एक चीज़ का एक डीमेरिट भी होता है। आपके पार्टनर ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ वाला रहा है, कहीं दर्द वाला रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते के बारे में सोच करके इस पर्सन ने ना पॉजिटिविटी के बारे में सोचा, इस रिश्ते के बारे में सोचा, वो तो दिख रहा है, बट कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर के जो सेक्सुअल फीलिंग्स, जो सेक्सुअल थॉट्स रख रहे थे, उसमें कहीं मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल ना इस बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के सेक्सुअली सोच विचार कर रहे हैं, सेक्सुअली ये पर्सन आपको लेकर के सोच रहे हैं। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का अट्रैक्शन बहुत हाई है, सेक्सुअलिटी की एनर्जी क्यों दी है डिवाइन आपने, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी स्ट्रेस में आपके पार्टनर घिरे पड़े हैं। लग रहा है कि पर्सन के मन में सेक्सुअल थॉट्स तो आ रहे हैं, बट कुछ हो नहीं सकता, एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर के चलता है कि ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, थोड़ा सा मुझे ऐसी वाइब दिखाई दे रही है ना जहाँ पे ये पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, देखो ये पर्सन का दिल कहता है कि आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा जिससे आप दोनों का जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग आ रही है।
मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन इस रिश्ते को लेकर के पहले, एक होता ना कि पहले नहीं सोचते थे उतना ज़्यादा, लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन को अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहूँगी कि इस पर्सन को हो रहा है। ये पर्सन रियल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं आज की रात। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं। ये पर्सन आज आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपसे कुछ वैसी बातें भी करना चाहते हैं। ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में वो चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों शायद बातें नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है कि भाई हमारे बीच तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट जोन बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने का है। ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना पूरी डेप्थ डेप्थ में जाके आपके साथ बातें करना चाहते हैं और आपको टाइम देना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग दिख रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इमेजिनेशंस की दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये पर्सन के मन में चल रहा है कि आप इनके साथ हो, बेड पे हो, आपको छू रहे हैं, किस कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी के साथ आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल हैं। बट ये पर्सन की नींद जैसे ही खुल रही है तो लग रहा है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ है कहाँ, आप यहाँ पे, वो वहाँ पे, कहाँ एक दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो गए हो, तो कहाँ से ये रिलेशनशिप संभव है। ये पर्सन को अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सुनना है, जानना है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन देर रात उठ के आपके बारे में लिखते भी हैं। ये पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो एक कवि छुपा हुआ है, एक शायर छुपा हुआ है, जो जो हर किसी के सामने नहीं करना चाहता अपने फीलिंग्स को जो है ना एक्सप्रेस। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस भी है और मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि आपने इस टाइम मैनिफेस्टेशन किया था, उसी का रिजल्ट आपको मिल रहा है। कहीं आपने इस पर्सन को बोला था कि कर्मा तुझे तेरा मिलेगा, तो ये पर्सन का कर्मा तो इनको मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये पर्सन को बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि जैसे ये पर्सन हार से गए हैं और यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी होगा यूनिवर्स करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से जो भी होगा वो होगा, जो भी करना है वो यूनिवर्स ही करेंगे, जो भी होगा वो यूनिवर्स ही करेंगे, या जो भी करना है उनके तरफ से ही जो है ना वो होने वाला है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है, डेविल की एनर्जी देख लूँ यहाँ पे। आपके पर्सन का फुल मन है, ये पर्सन आपके एडिक्ट हो चुके हैं, आपके एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं आपके पार्टनर। लग रहा है जैसे कि आपके साथ ये पर्सन लस्ट वाली फीलिंग्स के साथ ज़्यादा आने चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को लस्ट की फीलिंग्स ज़्यादा हैं आपसे। ये पर्सन को आपके साथ स्टार्टअप करना या आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करके आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, फिजिकली इंटीमेसी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये करना चाहते हैं। ये पर्सन का ये भी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, रोमांटिक रोमांटिक बातें लेकर के मैं उससे बातें करूँगी, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूँगा या करूँगी, है ना, और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन हमारा बन जाएगा, ये पर्सन की ऐसी चाहत है। ये पर्सन फुल प्लान करके चल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपकी नीड महसूस हो रही है। नाइट के टाइम में आपकी नीड महसूस होना, समझ जाओ कि आप उनके लिए क्या हो, है ना। सिर्फ फिजिकल रिलेशन से रिश्ता नहीं बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन के मन में ज़्यादातर वैसी ही बातें चल रही हैं फिजिकल इंटीमेसी को लेकर के। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे इसी कारणवश आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, थर्ड पार्टी का आपके जीवन में होना या उनके जीवन में होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बता रहा है। कार्ड खुद से निकला है तो यहाँ पे इंडिकेशन बड़ा स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर जो है फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हुई होती थर्ड पार्टी को लेकर के, या आपके पार्टनर ने आपके साथ बदतमीजी नहीं करी होती।
तो शायद ये रिश्ता ठीक होता, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर के स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के सोच विचार भी कर रहे हैं। ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, इस रिश्ते में काफ़ी क्लैरिटी दिखाई दे रही है। ये रिश्ता सच में बहुत मायने रखता है, इस रिश्ते में इंसान जो है ना अपना फुल 100% देना चाहता है, बट क्या होता है इंसान ना अपने आप को रोकता है कि अरे यार तू क्या कर रहा है, तू उसके तरफ जा रहा है जहाँ पे तेरा कुछ फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे तेरा कुछ भी नहीं है, तो उसकी तरफ जा रहा है। तो ये पर्सन का मन खुद ही रोकता है इनको कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं हो रहा है इस पर्सन से, ठीक है, ये पर्सन से नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन के दिल में दिमाग में ना ऐसा चल रहा है कि नहीं कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कुछ बातें हैं ऐसी जो कि ये पर्सन करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं ऐसी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि ये पर्सन शायद आपसे कर नहीं पाए हैं। अब लगता है कि ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे करना है, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन का कर्मा इस पर्सन को बार 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 आपकी तरफ खींच के लेके आ रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो करके आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यही है ना कि आपके पार्टनर को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई इस रिश्ते की आखिर जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, और वो भी रिवर्स में है कार्ड, रिवर्स में है हैंगमैन। तो यस, मुझे दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपके बारे में सोच विचार कर रहे थे। देखो, ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपकी तरफ अपना जो थॉट है, देखो इनका क्लियर है कि इनको आपके साथ लस्ट वाली फीलिंग है, इनको आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, तो चाहिए चाहे जब हो, ये पर्सन को चाहिए फिजिकल इंटीमेसी, ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो माइंड सेट है ना वो ऐसा हो गया है जहाँ पे ये पर्सन अपने माइंड को रोक नहीं पा रहे हैं। अब लगता है जैसे कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पैसे बाद में कमाएंगे, पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, अभी फ़िलहाल क्या है, आज की रात ज़्यादातर फिजिकल इंटीमेसी को लेके बातें चल रही हैं। जैसे कि आपके जो है ना आपके बॉडी पार्ट को ये पर्सन काफ़ी पसंद करते हैं, जो कि आपको पता है कि आपके पार्टनर को आपकी कौन सी बॉडी पार्ट अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आप उन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हो, आप सीधा सा चाहते हो कि हमारा कोई फ्यूचर होगा या हम दोनों शादी करेंगे, फिर ये सब तो होता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है, और ये पर्सन भी जानते हैं कि इनको कितने जो है ना अपनी औकात में रहना है। ठीक है, ये पर्सन को पता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि यार सच में ये मैं गलती कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलती तो कर चुका हूँ या गलती करने वाला हूँ, ये पर्सन के मन में ये चल रहा है। ये पर्सन जानते हैं कि आप फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मानोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ उससे मतलब नहीं है, आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए शादी, आपको चाहिए इनके साथ प्यार, आप इनका प्यार चाहते हो, इनके साथ लव वाला फीलिंग चाहते हो, इनके साथ लस्ट नहीं चाहते हो, आपके अंदर लस्ट वाली फीलिंग्स नहीं है सिर्फ, ठीक है, आपके अंदर चीज़ें हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मुझे ये चीज़ें आपको देनी होंगी, ठीक है, तो आप में मुझे दो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका पार्टनर तो सिर्फ उसी चीज़ में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है, जो भी है यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के ना एक कहते हैं ना कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो हमें हमारी तुम्हें मालूम नहीं है, है ना। तो वो जो है ना जान हो आप इनकी, ये इस पर्सन को जो है ना लगता है कि उसको बात पता ही नहीं है, और उसको सिर्फ लगता है कि मेरे अंदर सिर्फ लस्ट वाली फीलिंग्स हैं। ये पर्सन इन और आउट करते हैं, हमेशा हमेशा से इन और आउट करते हैं, ये पर्सन प्यार कम दिखाते हैं आपको, प्यार का शो कम करना, और ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि अरे यार ये सब तो होता रहेगा, ठीक है, ज़िंदगी बड़ी लंबी है, पहले ये चीज़ें करके निपटा लेते हैं, कभी कभी आपसे बात करते हैं ना ऐसे, मुझे ऐसे फील हो रहा है। आपके पार्टनर
का मानना ये है कि प्यार क्या कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इसको बस समझना होता है, इसको बस फील करना होता है, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, तभी ये पर्सन आपको ट्रस्ट भी दिला सकते हैं। कमिटमेंट की बात की जाए, जो आप कमिटमेंट की बात करते हो या कमिटमेंट जो है ना आपको चाहिए, ये पर्सन के मन में है कि कमिटमेंट मैं दूंगा, दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। ये पर्सन को टाइम लगेगा, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए खुद को आगे ले जा रहे हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसा बनाना चाहते हैं ना जहाँ पे मैं कहूँगी इश्क वाला लव है ना, वो बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, इश्क वाला लव। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत गहरी भावना है गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। आप अगला कुछ अगर कार्ड देखोगे ना, तो वो सोलमेट का कार्ड है, जो कि ऐसा कार्ड है जो कि बता रहा है कि भाई आपके ही इर्द गिर्द सारा ये चीज़ चल रहा है, आपके ही इर्द गिर्द सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके पार्टनर का दिल दिमाग सब कुछ आपके तरफ है, सब कुछ ये पर्सन के मन में आप ही आप चलते रहते हो, आप ही आपको ये पर्सन विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, आपको ही ये पर्सन के अंदर में देख पा रहे हो, जैसे कि आप इनके दिल में समा गए हो, ठीक है, आप इनके साथ आ गए हो। अब जो है ना आप नहीं हो तो इनको तकलीफ़ होती है, अब आप नहीं हो तो इनको बेचैनी होती है, तो आपका ना होना इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। सो यस, मैं कहूँगी कि आपके साथ ये पर्सन फील करते हैं प्यार, ठीक है, टू ऑफ वांड्स, देख रहे हो ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आप दोनों बने ही हो एक दूजे के लिए, जस्टिस का कार्ड है दिख रहा है भाई, सोलमेट का कार्ड है, एक सोल कनेक्शन दिख रहा है, सोल एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे दोनों नहीं मिले तो ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा, आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो अभी फिलहाल, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको भी अट्रैक्शन हो रहा है इस पर्सन के तरफ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम इनके बिहेवियर से है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ सच्चा रिलेशनशिप चाहते हो, प्यार करने वाला रिलेशनशिप चाहते हो, और ये पर्सन भी आपके प्यार ही करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि पर्सन ने शायद आपको गलत समझा या आपने इनको गलत समझा, ठीक है, तो समझने में शायद गलती हो गई है, लेकिन ये चीज़ें सब कुछ बदल सकते हैं अगर आप इनके लिए रेडी हो तो। ये पर्सन के मन में है, ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं आपसे बात करने का ना, ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपसे ये पर्सन बात करेंगे, दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी सिचुएशन के अनुसार से ही आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे लगता है कि इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, क्या होता है ना कि कभी कभी जल्दबाजी करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, बाबू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है तो यहाँ पे वो हानिकारक मुझे नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना अब ऐसा भरा पड़ा है ना, जैसे कि ये पर्सन आपको प्यार 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 के समंदर में ये आपको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, प्यार के समंदर में ये पर्सन आपको लेके जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उस प्यार का मज़ा चखो ना, ठीक है, क्योंकि प्यार की चटनी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जो बर्दाश्त कर लेगा वो बर्दाश्त कर लेगा, जो नहीं करेगा रिश्ता तोड़ देगा, है ना। तो रिश्ते में क्या होता है ना, जब लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो इस रिश्ते में कोई ज़रूरी नहीं है कि खटास ही हो, मिठास भी हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिठास ही हो, उसमें खटास भी हो सकता है, तो बात वही है, आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं, दम दिख रहा है, फीलिंग है, फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, इस पर्सन के मन में दिख रहा है आपके तरफ पैशन बहुत है, एक्शन लेने की इच्छा बहुत है, ये पर्सन की इच्छा है कि ये पर्सन आए आपके तरफ बात करे, और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सो गाइज, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन के दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं आप बसे हुए हो, आप इनके मन में, आप इनके दिल में दिमाग में एकदम से जैसे जकड़ के बैठ गए हो ना, वो वाली फीलिंग, वो वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिखता है कि भाई आपके साथ ये रिश्ता बहुत कंफर्टेबल फील होगा, या बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है आपके पार्टनर को, लग रहा है कि भाई आपका इनका एक अलग ही कनेक्शन है, आपका इनका एक नेक्स्ट लेवल पे कनेक्शन है। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन बहुत ज़्यादा
होता ना कि चंचल भी है और सोच भी रहा है कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी में है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के मन में ऐसा है ना, तो कहते हैं ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके तरफ आ गए तो समझो कि इनकी ज़िंदगी का हर एक वो अधूरा काम हो गया जो ये पर्सन छोड़ के गए थे आपके तरफ से। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइज, आज इतनी ही रीडिंग रहने देते हैं। ठीक है, कल हम रीडिंग करेंगे फिर से। कल आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल रीडिंग या फिर चाहते हैं आप रेमेडीज रिचुअल, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।